हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेसी बात करते हैं जो कि है मैसूर एंड कैलकाटा रेस, जो डबल रेस है एंड डेट है 13/8/2024। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैसूर की रेस की बात करते हैं, फिर उसके बाद कैलकाटा का। तो मैसूर का टोटल रेस कार्ड है 8 रेस कार्ड है। सो बता दूँ कि बहुत ही टफ कार्ड है, बहुत ही बाकस कार्ड है। और कैलकाटा का भी वैसा ही है, मतलब बहुत साइड देखे जाए तो ओपन कार्ड है, इसलिए हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा स्किप करिए और पूरे दिन में एक या दो घोड़े आपको प्रॉफिट कर सके वही रेस कीजिए। सो बात करते हैं मैसूर का फर्स्ट रेस का, द रेड रूफस प्लेट डिवीजन टू क्लास 5 1400 मीटर। सो मैसूर का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डैट इज़ अ 4 नंबर हॉर्स शूटिंग विनर्स जॉकी अरशद आलम। जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखिए क्लास 5 की रेस है एंड जो शूटिंग विनर्स है, लास्ट टाइम देखे जाए तो क्लास 4 में फोर्थ हो चुका है, उससे पहले भी रहना चाहिए क्लास 5 में सिक्स हो चुका है, सॉरी सेकेंड हो चुका है। तो आपको थोड़ा वेट कैरी करके जाएगा। हैंडीकैप के सबसे जो कि चेंज है, बेटर राइडर था अभी अरशद आलम है, वेल एक्सपीरियंस राइडर है, जस्ट चांस नहीं मिल रहा, बट अभी आई थिंक घोड़ा अच्छा दिया उसको। लास्ट टाइम देखिए स्टार्ट खराब लिया था, थोड़ा पीछे रह गया था, या तो उससे पहले स्टार्ट सही है घोड़े का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो मनी एक्सचेंज ये फील्ड के सबसे सही है, उसको फोर्थ हो चुका है, फोर्थ पहले कैलिफोर्निया गोल्ड, मतलब ये फील्ड के सबसे घोड़े ठीक ठाक है, उसको भाग चुका है। तो शूटिंग विनर्स मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, बट अरशद आलम सही राइड करना चाहिए। सो बात करते हैं हम उसी रेस का, मैसूर का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है, डैट इज़ अ 5 नंबर हॉर्स डीम टू फायर जॉकी अंगद। ओके, लास्ट टाइम सेकेंड हो चुका है, वेट 1 किलो मतलब ज़्यादा लेके जा रहा, बट आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेम राइडर है, लास्ट में उसी के हाथों में सेकंड हो चुका है, बट थोड़ा फॉर्म कोच है अंगद, तो एक अच्छा ही राइडर है पर चांस नहीं दे रहे। ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए इतना ख़राब स्टार्ट लेने के बावजूद ये सेकंड हो चुका है, सिर्फ प्रॉब्लम है स्टार्ट लेने में। अगर स्टार्ट अच्छा लेंगे तो आई थिंक आ जाना चाहिए, वैसे तो कितना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बट ओपन रेस है तो इसलिए फर्स्ट रेस में भी मेरे हिसाब से 4 एंड 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का सेकंड रेस का, द रिपब्लिकन प्लेट क्लास 4 2000 मीटर। सो मैसूर का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 5 नंबर हॉर्स मास्टरी जॉकी एस एंथोनी राज। जस्ट देखिए लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है, वो भी 3.5 के भाव में, जो कि अच्छा भाव था, और वेट लगभग सेम है एंड सेम राइडर है, मतलब लास्ट ईयर से एंथोनी राज के हाथों में ही थर्ड हो चुका है, फिर से वही राइडर है, लास्ट ईयर स्टार्ट बहुत सही लिया था, कॉन्फिडेंट गर्ल जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है, इतना खास तो नहीं है, बट एम्बर नाइट आई नो जो कि ठीक ठाक घोड़ा है, उसको फोर्थ हो चुका है बहुत पहले, इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है। जस्ट देखे जाए तो पुणे और मुंबई का घोड़ा है। ओके, पुणे और मुंबई का घोड़ा है, मैसूर में आने के बाद देखे जाए तो थर्ड हो चुका है। आई होप अभी गलती ना करेंगे तो सही आने आने मांगता फिर से घोड़ा बोर्ड पे। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, मैसूर का सेकंड रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस है, डैट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स हीरो ऑफ द ईस्ट जॉकी ए अरशद तजबार। ओके, जस्ट फ्यू रन्स मतलब इग्नोर कीजिए लास्ट 2 रन्स, बट यहाँ पे उससे पहले सेकंड हो चुका है, वेट बहुत ही था, अभी भी वेट कैरी करके जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे देखिए 2000 मीटर है। ओके, एंड देखे जाए तो ये डिस्टेंस में जाके आ चुका है घोड़ा। ओके, तो एक देखे जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस का घोड़ा है, तो कोई फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आबे सिंह था, इतना खास राइडर नहीं बोल सकता हूँ प्रॉब्लम स्टार्ट लेने में, पर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बेटर राइडर है जो कि अरशद अजबर को बिठा है। ऑफकोर्स एल्पाइन गर्ल ये फील्ड के सबसे ठीक ठाक है, देन त्रिशूल एक बढ़िया घोड़ा है। ओके, ये फील्ड के सबसे, तो आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में सही है। तो सेकेंड रेस में भी 1 एंड 5 में आपको जो है बेस्ट लगे उसका आप प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का थर्ड रेस का, द रेड रूफस प्लेट डिवीजन 1 क्लास 5 1400 मीटर। सो मैसूर का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डैट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स निश्क जॉकी है पी किरण राय। जस्ट लास्ट रन तो इग्नोर कीजिए, इनडिफरेंट हैंडलिंग से और 4 के भाव में मतलब पीछे रह गया था, नहीं तो उससे पहले देखिए सेकंड फोर्थ तो हो चुका है बोर्ड पे, तो वेट आई थिंक लगभग सेम है एंड सेम राइडर है। ओके, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का थर्ड रेस का, हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स दी एडमायरल जॉकी ए आयस खान। ओके लास्ट रो तो इग्नोर कीजिए, बट 4.5 का भाव तो, बट उससे पहले देखिए 2 टाइम विनर है घोड़ा। लास्ट टाइम बहुत ही वेट था, बट पिछले के सबसे 1 किलो कम कर लिए के जरा, तो आई थिंक सही है। लास्ट टाइम बहुत ही बेटर राइडर था, अभी ये आसकान वेल आई डोंट नो बट कैसा राइडर है। आई थिंक सही राइड करेगा, वैसे स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रंट रनर है। ओके इतना खास फील्ड तो नहीं देखा है घोड़े ने, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो फिर भी ओपन कार्ड में बोल सकता हूँ, तो थर्ड रेस में भी 3 और 4 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का फोर्थ रेस का, द किंग्स की प्लेट डिवीजन 1 क्लास 5 लेवल 100 मीटर। सो मैसूर का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स क्वीन स्टार जॉकी है शिवम। तो ही रन हो चुका है, तो सेकेंड थर्ड हो चुका है, लास्ट टाइम सही वेट था बट अभी बहुत टॉप वेट लेके जा रहा है। ओके बट -311 से। सो लास्ट टाइम देखिए अरशद आलम था, अभी शिवम वेल अच्छा ही राइडर है, स्टार्ट भी बढ़िया लेता है। गिल्डेड बटरफ्लाई जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है, तकास तो नहीं बट उससे पहले कोला एक बेटर घोड़ा है, उसको सेकंड देखे जो तो बेटर फील्ड देख के आए, कोई इंस्टार आई थिंक इजिली आना चाहिए बोर्ड पे, जस्ट वेट का इश्यू है। तो बात करते हैं हम उसी रेस का मैसूर का फोर्थ रेस का, हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 12 नंबर हॉर्स कंट्रीज मेजर जॉकी है अंकित पाल। लास्ट वन इग्नोर कीजिए, बट उससे पहले फोर्थ हो चुका है 2 के भाव में, वेट ऑफ कोर्स ठीक ठाक है मेरे सबसे। लास्ट एम पी सीधर राजू था, अभी अंकित पाल वेल एक सही राइडर है। ओके अंकित पाल अच्छा राइडर है, एंड देखिए लास्ट टाइम बहुत ख़राब स्टार्ट लिया था, नहीं तो उससे पहले स्टार्ट अच्छा लेता आ रहा है घोड़ा। वैसे इसने भी इतना कुछ खास तो फील नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे भी देखे जाए तो ओपन ही कार्ड है, तो मेरे हिसाब से पत्री अच्छा है पर टॉप वेट लेके जा रहा है। तो फोर्थ रेस है मेरे हिसाब से 3 एंड 12 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते। ओके तो बात करते हैं हम मैसूर का फिफ्थ रेस का, द कोडली पेट प्लेट क्लास 3 60 100 मीटर। सो मैसूर का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स मिस्टिक बॉन्ड जॉकी ए पी सीधर राजू। ओके लास्ट टाइम देखे 20 ऑड फेवरेट रह के जीत चुका है, वो भी पौने 3 लेंथ से, या तो उससे पहले देखे डर्बी में थर्ड हो चुका है। ओके वेट ऑफकोर्स बहुत ही लेके जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, बस -211 से लगभग 60 किलो के आसपास लेके जा रहा। बट और सबसे एक बड़ी बात है, लास्ट टाइम टी पे बनता जो कि उसके पास स्वीप नहीं था, स्टार्ट भी सही लिया था। अभी पी सी तरह जो एक बेटर राइडर है, अभी उसका स्वीप है, उसका एक बेनिफिट हो सकता है। ऑफकोर्स ये फील्ड के सबसे हीरोइज्म एक अच्छा घोड़ा है, उसको थर्ड स्पिन मार चुका है, बट अश्वकंचनजंगा का बहुत बड़ी बात है, डर्बी में थर्ड हो चुका है अश्वकंचनजंगा को, उससे पहले देखिए टच ऑफ ग्रे को भी भाग चुका है। तो देखिए जो थोड़ा बहुत बेटर फील्ड देख के आए मिस्टिक बॉन्ड, आ जाना चाहिए, जस्ट वेट इशू है। तो बात करते हैं हम उसी रेस का फिफ्थ रेस का, हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 12 नंबर हॉर्स नेवाडा गोल्ड जॉकी है विवेक जी। ओके लास्ट टाइम देखिए एज अ फेवरेट रह के विनर है 1.5 लेंथ से। ओके उससे पहले फोर्थ भी हो चुका है, एंड वेट भी बहुत ही लो वेट कैरी करके जिसका बेनिफिट है। लास्ट टाइम श्रीकांत कामले था, अभी विवेक जी बहुत बेटर राइडर है, एंड देखिए इतना पीछे रहने के बावजूद अभी मार चुका है, तो एक सही घोड़ा। वैसे तो इसमें भी इतना कुछ खास तो फिर नहीं देखा है, बट फॉर्म में इतना ही कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखे जाए तो फिफ्थ रेस एक थोड़ा ठीक ठाक है, जैसे एक 1 नंबर का वेट इशू है, तो 1 और 12 में जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग प्लेसिंग का चांस दे सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का सिक्स्थ रेस का, था मैसूर कोल्स ट्रायल स्टेक्स 2024 फॉर इंडियन कोल्स एंड गेल्डिंग्स 3 और सोडोली 1400 मीटर पूरे दिन में, मतलब मैसूर का एक बड़ी रेस है। सो मैसूर का सिक्स्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट विल बी अ 5 नंबर हॉर्स मैसेटो जॉकी है सूरज नरेडू। ओके 3 रन हो चुके, 2 टाइम सेकेंड और 3, तो देखे जाए तो फॉर्म है ज़बरदस्त घोड़ा, वेट आई थिंक लगभग ठीक है, लास्ट में बेच जीता, बट अभी सूरज नरेडू जो कि टॉप जॉकी है स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीकन गोल्ड जैसे घोड़े को भाग चुका है, देन देखिए उससे पहले नॉटी लेजेंड को भाग चुका है, तो बेटर फील्ड देख के भी आया है, बेटर घोड़ा है मैसेटो, आ जाना चाहिए। एक्चुअली देखे तो बैंगलोर का घोड़ा है। ओके
तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का सिक्स रेस का। हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट विल बी वन नंबर और आभूषण जॉकी है विवेक जी। ओके जस्ट देखिए एज अ फेवरेट रह के पिट चुका है लास्ट टाइम सेकंड, उससे पहले सेकंड विन विन थर्ड देखे जाए तो फॉर्म में ज़बरदस्त, बोर्ड तो नहीं छोड़ रहा है घोड़ा। ओके एंड लास्ट टाइम वेट था 58, अभी 57, उसका एक बेनिफिट है लो वेट कैरी करके जा रहा है पिछले के हिसाब से। लास्ट अभी तक खास तो राइडर नहीं था, ठीक ठाक बोल सकते, बट उस अब भी बेटर राइडर है जो कि विवेक जी को बिठाए। स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम है बट उसके बावजूद एक घोड़ा पीछे से आके सेकंड हो रहा है। और देखिए यहाँ पे भरत जैसे घोड़े को सेकंड हो चुका है। ओके रोड रनर को बहुत पहले थर्ड हो चुका है, तो मूनलाइट क्वीन भी एक सही है, तो अच्छा फील्ड भी देगा आभूषण इजिली बोर्ड पे। देखिए जो तो ओपन कार्ड है फाइट रेस है, तो सिक्स रेस में मेरे हिसाब से 1 एंड 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका आप विनिंग आप पेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का सेवेंथ रेस का, द हिरियर प्लेट क्लास 2 1400 मीटर। सो मैसूर का सेवेंथ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ द 7 नंबर हॉर्स मूनलाइट क्वीन, जॉकी है पी सिद्ध राजू। ओके लास्ट टाइम देखिए विनर है वो भी 7.25 लेंथ से, वेट भी कम लेके जा रहे हैं ऊपर से -2/11 से। लास्ट टाइम ऐसे एंथोनी राज था, वेल अभी पी सिद्ध राजू को बिठाए, स्टार्ट भी सही लिया था लास्ट टाइम, इतना खास तो फील्ड नहीं, बहुत पहले आरिलीना जिस घोड़े को भाग चुका है, बट लास्ट टाइम उसका रन ज़बरदस्त था, तो आई थिंक बोर्ड पे तो इजीली आना चाहिए। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, मैसूर का सेवेंथ रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस है डेट इज़ द 5 नंबर हॉर्स कैवरोजी, जॉकी है एन बी कुलदीप। ओके लास्ट टाइम देखिए सेकेंड थर्ड हो चुका है, वेट लगभग सेम है, एंड लास्ट टाइम एलेक्स एलेक्स रोजारियो था। पहले एन बी कुलदीप भी एक प्राई राइडर है, अच्छा ही राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड देखे जाए तो बहुत पहले कुशाक जैसे घोड़े को भाग चुका है प्रिंस कॉर्पोरेट। ओके उसके बाद इतना खास तो फील्ड नहीं देखा पर लास्ट 2 रन सही है, तो देखेंगे अगर ट्राई करेंगे तो बोर्ड पे तो आना चाहिए। तो सेवन्थ रेस में मेरे हिसाब से 5 एंड 7 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का एथ एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द किंग्स की प्लेट डिवीजन 2 क्लास 5 लेवल 100 मीटर। सो मैसूर का एथ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 9 नंबर हॉर्स मिस्टिकल मर्लिन, जॉकी है आर एन मांझी। ओके लास्ट टाइम ये थर्ड हो चुका है, सेम राइडर है। ओके वेट लगभग आई थिंक ठीक ठाक है -1/11 से, तो राइडर भी अच्छा है आर एन मांझी। ओके बेटर राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, जस्ट लास्ट रन सही है इसका तो तय कह सकता हूँ। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का एथ रेस का, हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ डी 4 नंबर हॉर्स डी गोल्डन कप, जॉकी वी आर जगदीश। ओके लास्ट टाइम देखिए 2.5 के भाव में अच्छा भाव में विनर है 1/125 लेंथ से, वेट अभी थोड़ा कैरी करके जा रहा, बट सेम राइडर है वी आर जगदीश, उसके हाथों में जीता है लास्ट टाइम, प्रॉब्लम है स्टार्ट लेने में। ओके तो देखिए जो तो लास्ट रन सही है पीछे से आके जीत चुका है, तो आई थिंक फॉर्म में ज़रा, तो बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर भी एथ रेस में 4 एंड 9 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल मैसूर रेस का एट रेस का टिप्स एंड सिलेक्शंस। तो देखिए जाए तो ओपन कार्ड है, सो समझ के चांस दीजिए, ज़्यादा से प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी उसी दिन का जो दूसरी रेस है जो कैलकाटा रेस। ओके तो हम बात करते हैं उसी दिन का जो दूसरी रेस है कैलकाटा, तो ये भी टोटल देखे जाए तो 6 रेस का कार्ड है एंड बहुत ही ओपन कार्ड है, देखेंगे तो ऐसा करके बहुत सही से घोड़े बट ओपन कार्ड है, कोई भी ट्राई कर सकता है, इसलिए यहाँ पे भी ये प्लेसिंग का चांस लेंगे तो ये बेटर होगा। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, तो इसलिए जस्ट टिक मार्क करूँगा। ओके तो कैलकाटा का फर्स्ट रेस है द आदिरा हैंडीकैप क्लास 5। तो कैलकाटा का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ द 1 नंबर हॉर्स ओ रोमेलो, जॉकी है नीरज रावल। एंड कैलकाटा का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है डेट इज़ अ 5 नंबर हॉर्स हिस्टोरिक, जॉकी है विनय जायसवाल। सो ओके तो फर्स्ट रेस में कैलकाटा का 1 एंड 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग हाई चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी कैलकाटा का सेकंड रेस का, द इंडिपेंडेंस कप क्लास 3 1400 मीटर्स। कैलकाटा का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 4 नंबर हॉर्स टोसेंट, जॉकी है नीरज रावल। एंड कैलकाटा का सेकेंड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है डेट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स मैंजेला, जॉकी है निखिल नायडू। ओके तो सेकेंड रेस आई थिंक थोड़ा ठीक ठाक है, तो 2 और 4 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी
कैलकाटा का थर्ड रेस का था, मेक माई डे प्लेट क्लास सॉरी फॉर्मेडन हॉर्सेस का रेस है, तो 1400 मीटर। सो कैलकाटा का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डैट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स नो वरी, जॉकी है नीरज रावल। एंड कैलकाटा का थर्ड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है, डैट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स मेन स्ट्रीट, जॉकी है यश नेरेडो। ओके आई थिंक यहाँ पे मेन स्ट्रीट को थोड़ा स्टार लेके चलूँगा। ओके सो थर्ड रेस में 2 और 3 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग आप प्लेसिंग का चांस दे सकते हैं। तो बात करते हैं अभी कैलकाटा का फोर्थ रेस का था, एलिस्टेनो हैंडीकैप क्लास 4 1400 मीटर। तो कैलकाटा का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स फेलिक्स, जॉकी हिंदू सिंह। एंड कैलकाटा का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है, डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स किंग्स रिट्रीट, जॉकी आर वाई बो। सो कैलकाटा का फोर्थ रेस में 1 एंड 3 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं अभी कैलकाटा का फिफ्थ रेस का था, ऑसम 1 कप क्लास 1 1400 मीटर। सो कैलकाटा का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 8 नंबर हॉर्स डेस्ट्रॉयर, जॉकी है हिंदू सिंह। ओके एंड कैलकाटा का फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है, डेट इज़ अ 7 नंबर हॉर्स क्लिफोर्ड, जॉकी है एस सबा। ओके तो फिफ्थ रेस में 7 एंड 8 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं अभी कैलकाटा का सिक्स अंदर लास्ट रेस ऑफ द डे, द एंड्राडा हैंडीकैप क्लास 4 लेवल 100 मीटर। सो कैलकाटा का फिफ्थ सिक्स रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स बंडल ऑफ चार्म, जॉकी है सुजीत कुमार पासवान। और कैलकाटा का सिक्स रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है, डेट इज़ अ 4 नंबर हॉर्स एक्स्ट्रा वेगन स्टार, जॉकी है यश नेरेडो। सो सिक्स रेस में भी 1 एंड 4 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल कैलकाटा का सिक्स रेस का टिप्स एंड सिलेक्शंस। देखे जाए तो ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ओपन कार्ड है तो इसलिए यहाँ पे भी प्लेसिंग का चांस दीजिए। सो ये रहा हमारा टोटल मैसूर रेस का और कैलकाटा रेस का टिप्स एंड सिलेक्शंस। तो देखे जाए तो टफी कार्ड है तो इसलिए प्लेसिंग का चांस लेंगे तो बेटर होगा। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द मैसूर एंड कैलकाटा रेस। तब तक अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।